अस्सलामुअलैकुम। तो ये दूसरा कपड़ा है, मैं कट कर रही हूँ कि इस तरह से जॉर्जेट में है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी मैं गांव से लेकर आई थी। गांव से मतलब मैंने बहुत सारे कपड़े लेकर आई हूँ, और इस पर मैं जो अंदर कपड़ा डालूँ। अस्तर के लिए कपड़े मिलते हैं बहुत सारे, हम चाहे जो लगाएं, कॉटन का मिलता है और भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है। तो इसमें मैं इस तरह से ये कपड़ा लगाऊंगी साटन का, जिसकी वजह से इसमें शाइनिंग आएगी। तो मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, जैसे साइज़ है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कट की थी सेम जो मेरा साइज़ है, उसी तरह से मैं इसको भी कट कर लूँगी। देखिए मैंने अस्तर और उसके अंदर का और ऊपर का दोनों कट कर ली हूँ इस तरह से। इसमें कपड़ा बहुत बच रहा था, तो मैं इसमें बलून वाली आस्तीन सिलूंगी। तो जो अंदर आस्तीन होगी वो हम सेम जितना मतलब चाहिए हमें, जैसा होती है वैसे ही हम काट लेंगे। इसको मैंने 18 इंच काटी हूँ, मतलब तैयार पे ये 16 इंच हो जाएगा। तो जिस तरह से हम हाथ काटते हैं, मतलब आस्तीन काटते हैं, उस तरह से इसको कट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ना 4 इंच 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मार्जिन लगाई हूँ, निशान लगाई हूँ। यहाँ से मैंने 4.5 इंच लियो और यहाँ से भी 4.5 इंच लियो, और उसके बाद फिर हम इधर आस्तीन का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर आस्तीन लगा दी हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ पे जितना ऊपर छोड़ी हूँ 4.5 इंच मार्जिन, मतलब जितना हमें चाहिए, जितना बलून वाला आपको आस्तीन चाहिए उतना ही लेंगे। अंदर अस्तर उतना ही रखते हैं, ताकि जो हम इसके ऊपर चुन डाल के जो बलून वाली आस्तीन बनाएंगे वो इस कपड़े से लूज़ ही रहेगी, तो ही अच्छी लगती है। तो देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर आस्तीन रख दी हूँ, और इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। और ये चुन जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगी, जो ये एक्स्ट्रा है। तो चलिए मैं इसको कट करती हूँ। मैंने कट कर ली हूँ, ये बीच में जॉइंट आया है। इसी तरह का मेरे पास सेम दुपट्टा भी है, और वो दुपट्टा सिर्फ 50 रुपये का है। तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ चैनल पर, आप लोग जाएँ वहाँ पर देखें कि मैंने कहाँ से ख़रीद कर लाई हूँ और कितने प्यारे प्यारे दुपट्टे हैं सिर्फ 50 रुपये में। देखिए ये खूबसूरत सा हमारा ब्लैक कलर ड्रेस तैयार हो चुका है। इसमें मैंने इस तरह से चौकोन गला बनाई हूँ, और इसे भी मैंने सेम पोपटी कलर वाले कपड़े की तरह अस्तर की तरह सिली हूँ। और मैं उसमें ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, ये देखिए चाक की फिनिशिंग, आप लोग देखिए चाक की फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है चाक की। और मैंने ये दिखाना था आपको, इस तरह से हम पीछे कपड़ा लगाते हैं चाक में, वो मैंने वीडियो में शेयर की हूँ इससे पहले, जो पोपटी वाला मैंने कपड़ा सिली हूँ। तो इस तरह से इसमें अंदर साइड से कपड़ा लगाने से क्या होता है, हम इसके चाक को लॉक कर देते हैं। तो फिर जैसे बहुत लोगों की चाक है ना वो फट जाती है, जैसे अभी हम बैठे हैं उठने जाते हैं तो जैसे पीछे वाले कपड़े पे ऐसा हाथ रख देते हैं, उठते हैं तो चाक फट जाती है। तो इससे चाक फटेगी नहीं, बहुत मतलब मजबूत हो जाता है। तो ये भी मैंने अर्जेंटली सिली थी, तो ये मैं आप लोगों को स्टिचिंग इसकी दिखा नहीं पाई। तो इसमें देखिए जो बलून वाली आस्तीन होती है उसमें हम जैसे इस तरफ पूरा चुन डालते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें लेते हैं, तो हम सामने साइड में इसके अपोजिट इस तरह से चुन डालेंगे। मतलब इस तरफ की प्लेट देखें आप, इस तरफ गई है और यहाँ की प्लेट ये इस तरफ गई है सारी उल्टी तरफ, तभी ये बीच में अच्छे से ये देखिए बलून बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैंने आगे इस तरह से इसमें 1 इंच का 1.25 इंच का कपड़ा लगा दी हूँ, और इसमें भी मैंने सेम डोरी लगाई हूँ। और देखें आप, ये भी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है। देखें आप, बिल्कुल भी ज़रा भी झोल नहीं मार रहे हैं, क्योंकि हमने कपड़े पे कपड़ा रख के इसमें 5 नंबर की सिलाई मार के सिला है इसीलिए। और देखें अंदर का अस्तर का कपड़ा ऊपर के कपड़े से 3 से 4 इंच कम ही रहता है, तो ही अच्छा लगता है। और ये इसके नीचे मैंने प्लाजो सिली हूँ, तो इस तरह से मैंने प्लाजो में इलास्टिक लगाई हूँ जैसे हम लगाते हैं, और मियानी लगा के ये मैंने लूज़ लूज़ वाला, और ये मैंने नीचे इस तरह से कमीज़ के कपड़े की कपड़े लगा दी हूँ, जिसकी वजह से मतलब जब मैं पहनूंगी ना इसको तो नीचे कमीज़ के कपड़े का बॉटम लगेगा और बहुत खूबसूरत सा लगेगा ये। तो मैं इसको भी स्टिचिंग कटिंग इसकी भी नहीं दिखा पाई। और इसका जो दुपट्टा है ये देखें, ये वही दुपट्टा है जो मैंने आपसे बताई थी 50 रुपये का, मुझे कपड़े के जैसे एकदम सेम टू सेम मिला है। बट अम्मी बोल रही हैं कि ना पूरा एकदम ब्लैक ड्रेस हो जाएगा, तो इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा लगाने के लिए। तो मेरे पास इस तरह से येलो कलर का एक दुपट्टा है मल्टी कलर में, और इस तरह से येलो कलर का एक दूसरा बनारसी टाइप का दुपट्टा है। तो इस तरह से मेरे पास 3 दुपट्टे हैं इस पर, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी। उसमें कमेंट करके कि इसमें कौन सा दुपट्टा ज़्यादा मैच करेगा सूट के साथ।